सामाजिक कुरीतियाँ हम कहते हैं कि हम मानते हैं कि जो साहित्यकार हमारे होते हैं वो अपने आसपास से आसपास के बात्रों से प्रभावित होते हैं और उन्हीं को अपनी लेखनी में अपने शब्दों में अपनी साहित्यिक कला के द्वारा हम तक पहुंचाते हैं आपको लगता है कि कुछ नहीं बदला या बदल रहा है ज़माना देखिए समय के साथ जो है वो चीज़ें बदलती ज़रूर हैं लेकिन मैं मानता हूँ कि जो क्लासिक्स हैं वो इसीलिए क्लासिक्स हैं क्योंकि उनमें एक आप कह सकते हैं एक स्थाई तत्व मौजूद रहता है जो जो अच्छे राइटर्स हैं उन सबका एक विजन होता है वो विजनरीज़ होते हैं और वो भविष्य में झांक सकते हैं उन्हें पता होता है कि आने वाले समय में क्या होगा इसीलिए आप कई बार ऐसा ऐसी कृतियाँ पढ़ते हैं ऐसी किताबें पढ़ते हैं जिन्हें आप आज पढ़ रहे हैं लेकिन आपको लगता है कि ये ये किसी ज़माने में लिखी गई थी लेकिन वो आपको आज भी बिल्कुल रेलिवेंट लगती हैं आपको लगता है कि आज भी वही संदर्भ है आज भी वही बातें हैं तो आ, कुछ चीज़ें बदलती हैं लेकिन मोटे तौर पर चूँकि समाज है और आ, लोग एक जैसे रहते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग हमेशा रहे हैं और आगे भी रहेंगे और उन्हीं लोगों के बीच में से साहित्यकार जो है वो अपनी कहानियाँ अपने उपन्यास जो है वो उठाता है और उन्हें लिखता है uh... हमने जो निवेदन किया था हमें लगा मनीषा जी ने ढूंढ लिया है वो और आपसे भी वही निवेदन है आपको भी सुनाना होगा लेकिन हमारा जो प्रश्न है मनीषा जी वो प्रश्न ये है कि हमें ये कहा जाता है न्यूज़ और साहित्य न्यूज़ में ये कहा जाता है कि आपकी भाषा बहुत सरल होनी चाहिए आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए जो एक सब्जी लगाने वाले फुटपाथ पर जो महिला है जो पुरुष है उसे भी समझ में आ जाए और एक प्रशासनिक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एक आई अधिकारी को भी समझ में आ जाए आप जैसे विद्वानों को डॉक्टरेट किए हुए लोगों को भी समझ में आ जाए लेकिन साहित्य में हम एक ये विमर्श हमेशा करते आए हैं आप लोगों के साथ भी हुआ है आशुतोष जी वो ये कि हम कम से कम भाषा के संस्कार को ना भूलें और वो एक साहित्यिक भाषा जो भाषा को हम जीवित रख सकें नहीं तो संस्कृत और उर्दू जैसा हर्ष होगा हमारी भाषाओं का वो विलुप्त हो जाएंगी और क्लिष्ट बोलकर उन्हें कठिन है नहीं पढ़ी जाती बच्चे नहीं समझ पाते ये कहकर वो कहीं ना कहीं समाप्त ना हो जाए ये कितना बड़ा अनुवाद में एक चैलेंज है एक आपको चुनौती चुनौती जिस स्तर पर है वो हमारे ख्याल से अनुवादक के लिए अपने आप से ये चुनौती है क्योंकि एक अनुवादक के तौर पे हमारा तो ये रहता है प्रयास कि ऐसी भाषा हो जो सबको समझ में आए जो शब्दकोश में शब्द दिए गए हैं अगर हमको नहीं समझ में आ रहे पहली बार में तो वो पढ़ने वाले को कैसे समझ में आएंगे तो इसलिए सबसे पहला काम ये होता है कि ऐसा कोई शब्द ना हो जो किसी को समझ ही ना आए कोई फ़ायदा नहीं है उस भाषा का क्योंकि कोई उठा के पढ़ेगा नहीं वो भाषा जरूर शुद्ध है लेकिन वो पढ़ेगा कोई नहीं तो इससे अच्छा है कि भाषा को थोड़ा सा बदलना होगा और उसको हम ही लोग बदलेंगे मूल मूल रूप रूप और स्वरूप का क्या अगर आप भाषा बदल देंगे तो। भाई संतुलन बना के चलिए ये नहीं है कि आप सारे अंग्रेजी के शब्द ही उसमें डाल दीजिए आप सारे अंग्रेजी शब्द मत डालिए ना अंग्रेजी हिंदी में भी हिंदी में भी बदल गया आ, कितने लोग ऐसे हैं वो जो कौन से बाबू हैं वो एक खतरनाक हीरो अपने जो अब नेता बन गए सुनाक्षी के पापा क्या नाम है उनका ये, ये भाषा की शुद्धता का जो विमर्श है ये आज से नहीं चल रहा ये बहुत पहले से चलता आ रहा है और एक बार मैं जावेद अख्तर साहब को सुन रहा था तो उनका ये कहना था कि भाषा में से शुद्धता ढूंढना जो है वो प्याज के छिलकों में से प्याज ढूंढने जैसा है ना आप उत छिलके उतारते जाइए तो वही प्याज है प्याज के छिलके ही तो प्याज हैं तो अगर आप भाषा में से शुद्धता ढूंढेंगे तो फिर कुछ बचेगा नहीं अगर आप सोचेंगे कि केवल जो है शुद्ध भाषा आप चाहिए अभी आपने खुद कहा कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा आदमी वो भी समझ सके वरिष्ठ अधिकारी भी समझ सके पढ़े लिखे लोग भी समझ सके न्यूज में समाचार में समाचार में सबको समझने दीजिए